सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला पहला पॉइंट इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑ ऑ ऑरिजन अगर लाइन पास हो रही है थ्रू ऑरिजन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि लाइन का एक पॉइंट जो है दैट लाइज ऑन द ऑरिजन ऑफ द कार्डन प्लेन तो तब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं लेट सपोज अगर मेरे पास लाइन है ओ इज द लाइन इट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एक्स वन और वाई वन दोनों के दोनों जीरो है। और यहां पर ए पर कॉर्डिनेट एक्स एक्स के और एक्स uh, ए के कॉर्डिनेट्स जो है डिस्टेंस बाई यूजिंग हिस्सर याद रख लो एक्स वन यहां पर जीरो है वाई वन भी जीरो है लेकिन यहां पर कुछ वैल्यू है हमारे पास किसका एक्स वन और वाई वन का सो so, आपको अभी पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इज़ गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्र एक्स टू आपको पता है कितना भाई एक्स वन है दस वन

आप यह भी कह सकते हैं इफ आई विशन द कॉर्डिनेट द डिस्टेंस दैट एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्सर लेट सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल एक सिखा, क्वेश्चन सिखा लूंगा द डिस्टेंस ऑफ द लाइन है द डिस्टेंस ऑफ द लाइन विद द कॉर्डिनेट पॉइंट जीरो कॉमा जीरो थ्री कोमा फोर यानी कि आपको पता है यहां पर पहला कॉर्डिनेट जो है दैट्स एक्स वन जीरो वाई वन जीरो एक्स टू थ्री वाई टू फोर आपके पास डायरेक्ट आप डिस्टेंस फॉर्मुला भी लगा सकते हैं यू कैन केन डिस्टेंस फार्मूला बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज ऑल्सो दिस फार्मूला आई हैव टू फाइंड द लाइन अगर आप देख लोगे कि ये लाइन ये पॉइंट ये लाइन किस क्वाड्रेंट में आएगी इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि पहला पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ऑरिजिन का है दूसरा पॉइंट ये पॉइंट जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस विल लाइक दिस सपोज यहां पर ये 3,4 है इस 3,4 फोर अब मुझे आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इस लाइन की डिस्टेंस कितनी तो है आप सिंपली कैसे ढूंढ सकते दैट इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर

ठीक नाउ पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा है आपको तीन पॉइंट्स इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर हमें हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला लाइक मेरे पास ये लाइन है तीन पॉइंट्स दिए गए मुझे ए बी सी ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कॉमा वाई वन बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू कॉमा वाई टू सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री ये ग्राफ पर कहीं uh, प्लेन पर कहीं पे भी ये तीन पॉइंट्स आपको क्वेश्चन क्या रहा है आप चेक कीजिए कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं हाउ कैन वी चेक आउट दैट कि ये कोलिनियर है कि नहीं हम देख लें आप क्या कर से? हम कैसे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन चेक वेदर द्वारी और नॉट सपोज अगर ये पॉइंट कोलिनियर है देन क्या होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज दिस डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू द होल डिस्टेंस ऑफ ए सी तो हमें तीन जगह पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करनी है पहले हम चेक करेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फिर मैं चेक करूंगा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी

पॉइंट्स क्या है दूसरा पॉइंट याद रख लीजिएगा दूसरा पॉइंट अगर आपको चेक करना है कि भाई ये पॉइंट्स दो, दो से ज्यादा पॉइंट्स आपस में है या नहीं है हाउ कैन वी चेक आउट दैट दैट इज हम इंडिविजुअल डिस्टेंस को ऐड करेंगे और देखेंगे सम ऑफ द ऑल द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या बराबर है कि नहीं है ठीक ये हुआ दूसरा पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज एक्सरसाइज बहुत आसान है फिर अगर हम ये पॉइंट समझ पा रहे हैं तो एक्सरसाइज पे हम इजीली कर सकते एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट नंबर थर्ड साइड्स ऑफ आईसॉसलेस ट्राइंगल आपको कोई ट्राइंगल से फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेंशन ए ट्राइंगल हेयर लेट्स चेक कि क्या ये कॉर्डिनेट पॉइंट्स ए भी दिया गया है बी भी दिया गया है सी भी दिया गया है

सी पॉइंट ए के कॉर्डिनेट से एक्स वन कोमा वाई वन इसके क्वारिनेट से एक्स टू कोमा वाई टू इसके कॉर्डिनेट से एक्स थ्री कोमा वाई थ्री देखो बच्चे हम क्या कर देंगे हम देख लेंगे यहां पर कि पहले मैं चेक करूंगा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मुला निकलेगा साइड कुछ ना कुछ उसके बाद मैं चेक करूंगा डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मुला फिर मैं डिस्टेंस चेक करूंगा फ्रॉम ए टू सी अब देख लीजिए यहां यहां से क्या हो जाएगा अगर इन तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड्स बराबर निकले आप यहां से खुद लिखेंगे यस द देखेंगे द सॉस द्राइंगल ठीक ये हो पॉइंट नंबर थर्ड पहला पॉइंट इफ द लाइन पास थ्रू द ऑरिजिन देन द डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इफ द whether checking the uh, whether the points are collinear or not how can we check we can check the, you know some of the individual the distance should be equal to the whole distance of the line tisa this whether the points form the isosceles triangle we have to only find the distance between the two sides. if this uh, distance between the two sides is equal then the uh, then the points form the co co uh, isosceles triangle third one that's types of quadrilaterals quadrilaterals keep both sides types कॉर्डिनेटर की बहुत सारी टाइप्स यहां हम पेरलोग्राम की बहुत सारी मतलब पैरलोग्राम के अंदर हम आगे देखेंगे कॉर्डिनेटर के अंदर काइट है कॉर्डिनेटर के अंदर पैरोलोग्राम है फिर रेक्टेंगल है रोम्बस है और स्क्वायर है अगर आपके पास से फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं सपोज मुझे पॉइंट दिया गया है ए कोऑर्डिनेट है वन कॉमा टू बी कोऑर्डिनेट है थ्री कॉमा फोर सी कोऑर्डिनेट हैं फाइव कॉमा सिक्स डी कोऑर्डिनेट हैं सेवन कॉमा एट सपोज आपको कह रहा है कि चेक ये चार पॉइंट जो है ये कौन सी कॉर्डिनेट बना रहे हैं यानी कि पॉइंट ए बी सी डी आप देख लेंगे ये सारे के सारे पॉइंट किस वाले कॉर्डन पे पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं पहला इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है पहला ए फर्स्ट कॉर्डन बी फर्स्ट क्वारन सी फर्स्ट क्वारन डी फर्स्ट क्वारन ऑल द पॉइंट ए बी सी डी लाइज इन दर्स्ट कॉर्डिनेट अब हम वहां पर चेक करेंगे कि भाई ये कौन सी कॉर्डिनेटर बना रहा है तो कॉर्डिनेटर के अंदर या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये हो है। की क्या है हर एक साइड बराबर हो सकता है तो कितने साइड हो देखेंगे मैं चेक करूंगा साइड ए बी साइड बी सी साइड सी डी तीन साइड फिर साइड ए डी चेक करूंगा अगर ये सारी साइड्स बराबर निकले तो दैट मीन्स वहां पर दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं या तो ये या तो ये स्क्वायर है या ये रॉमस है नाउ अब स्क्वायर है या रॉम्ब से परफेक्टली इन दोनों में से कौन सा हो सकता है अब मैं डायगनस चेक करूंगा कैसे ऑल्टरनेटिव में जाऊंगा बी को छोड़ के अब मैं चेक करूंगा ए सी वे चेक इट इज अ स्क्वायर और द रॉम्स मैं ए सी की डिस्टेंस चेक करूंगा और बीडी की डिस्टेंस चेक करूंगा यानी अगर ए सी और बी डी आपसे बराबर निकले देन इट इज द स्क्वायर पहले में चेक करूंगा ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी आज सारे के सारे बराबर आ गए तो अब हम चेक क्या करेंगे मुझे अब यहां से एक ही चीज हो जाएगा कि मैं इसके अंदर देख लूंगा कि इसकी डायग्नस चेक करूंगा अगर डायगनस बराबर थी देन इट इज स्क्स बराबर नहीं थी देन इट इज ठीक सिमिलरली अगर मेरे पास यही ही पॉइंट्स हैं आपको अब

आई होप सो कि नेक्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन जाएगा दट्स वर गोक टू टच द एक्सरसाइज नाउ